अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। तो इस वीडियो में हम फील्ड डेंसिटी टेस्ट करने वाले हैं। तो फील्ड डेंसिटी टेस्ट का एक दूसरा भी नाम है जिसमें इसको कहा जाता है कि सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। सैंड रिप्लेसमेंट यानी इसमें हम सैंड को यूज करते हैं, 12 से पास हुए और 30 पे रिटर्न होने वाले सैंड को हम इसमें यूज कर लेते हैं। तो इस वजह से इसको सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट भी कहते हैं। तो बेसिकली इस टेस्ट का मकसद होता है कि कंपेक्शन मालूम करना, रोड के बेस और सब बेस या सब ग्रेड की उसके कंपेक्शन को चेक करने के लिए आप इस टेस्ट को करते हैं। तो इस टेस्ट की मदद से आपको उसकी कंपेक्शन परसेंटेज में आ जाती है। बेसिकली कंपेक्शन हम क्यों चेक करते हैं, तो इसका तो आप सबको मालूम होगा कि बेयरिंग कैपेसिटी का बहुत सारा दारा मदार जो है इस कंपेक्शन पे होता है बेस की। तो हमारी फाउंडेशन की सेटलमेंट हो सकती है अगर कंपेक्शन सही से नहीं हुई। तो अगर कहीं पे आप रोड के सरफेस को बेस या सब बेस वगैरह को या फिर फाउंडेशन ड्राफ्ट डालनी हो तो वहां पे आप सबसे पहले क्या करते हो, कंपेक्शन करते हो। लेयर डालने के बाद ग्रेवल्स वगैरह फिल करने के बाद उसकी कंपेक्शन अच्छी तरह रोलर चला के कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम इस पे एक टेस्ट लगाते हैं जिसका नाम है एबिलिटी टेस्ट, या इसको सिंपली सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट भी कहते हैं। वो लगा कर हम चेक करते हैं कि आया उसमें जो रिक्वायर्ड कंपेक्शन हासिल हुई कि नहीं हुई। तो आज हम इस टेस्ट को करने वाले हैं अपने साइड पे। तो यहाँ पे हमारी जो है राफ्ट की तैयारी है, तो वहां पे हम कंपेक्शन करा रहे हैं। तो हम आज आपको दिखाएंगे कि एबिलिटी टेस्ट कैसे करते हैं। तो चले हम फील्ड में चलते, फिर आपको दिखाते हैं कि एबिलिटी टेस्ट कैसे करती है और इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। व्यूअर्स, अब हम साइड पे आके और सरफेस को प्लेन करने के बाद इसमें हम बेस प्लेट को फिक्स करेंगे नेल से बिल्कुल लेवल करके। फिर इसमें से हमने सॉइल सैंपल को एक्सकवेट करना है। तो सबसे पहले हम इस सैंपलिंग बैग का वेट करेंगे, तो इसको भी हमने नोट करना है। तो ये आ रहा है 18 ग्राम, सैंपलिंग बैग का वेट जो है 18 ग्राम आ रहा है। उसके बाद हमने इस सैंपलिंग बैग में जो है इसमें से सैंपल निकाल के इसमें हमने लेना है। तो इसमें से इस पिट की जो है डेप्थ है वो तकरीबन 15 सेंटीमीटर आपने इसका डेप्थ एक्सक्यूट करना है। तो 15 सेंटीमीटर की पिट खोदने के बाद इस सैंपल का हम वेट करेंगे। तो इसको बिल्कुल स्ट्रेट आपने पिट बनाना है। तो इसमें से आप सैंपल लेके इसका हम वेट करेंगे। तो ये सैंपल प्लस सैंपलिंग बैग का वेट हमें आ जाएगा 15 सेंटीमीटर खोदने के बाद इसका हम वेट करेंगे। तो ये 15 सेंटीमीटर हो गया। अब हम इसको इसका वेट करेंगे। तो इसका सबसे पहले सैंड कोन को हम वेट करेंगे, फिर हम इस सैंपल का वेट करेंगे। तो सैंपल प्लस सैंपल बैग का वेट हम लेंगे और इसी तरह फिर आपने इस एबिलिटी कोन से जो है सैंड को आपने इस हॉल में जो रिलीज़ कर देना है। इसको भरने तक आपने ऐसे छोड़ना है, जो इसमें सैंड आना बंद हो जाए तो इसको वॉल को बंद करके आपने इसका दोबारा से वेट करना है और फिर आपने इसका वेट नोट करना है। तो इसका दोबारा से वेट किया तो इसकी वेट आ रही है 2666 ग्राम। अच्छा, तो व्यूअर्स हमने फील्ड डेंसिटी टेस्ट हमने साइट पे परफॉर्म करके आपको दिखा दिया। तो इसका एसटीएम के मुताबिक इसकी जो कोड है वो D1556 है। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, एबिलिटी टेस्ट लगाई और जो कि हमारे पैनल नंबर पैनल वाइज हमारी जो साइट है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो उस पर हमने फर्स्ट लेयर बैक फिलिंग हो रही थी, इसकी फर्स्ट लेयर का हमने एबिलिटी लगा लिया और दूसरा हमने इसकी मॉइस्चर कंटेंट मालूम करने के लिए हमने स्पीडी मॉइस्चर की मदद से हमने फील्ड में ही इसकी मॉइस्चर कंटेंट हमने फाइंड आउट कर ली। तो इसका पर्पस आपको पता है, मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि फील्ड डेंसिटी मालूम करना या और दूसरा जो है इसकी कंपेक्शन लेयर की कंपेक्शन परसेंटेज में मालूम करने के लिए आप एबिलिटी या सैंड रिप्लेसमेंट मेथड को
अप्लाई करते हैं। तो ये तो आपको मैं बताया, रोड लेयर्स में भी हो सकते हैं, राफ्ट में। अभी तो हमने यहाँ पे राफ्ट के लिए लगाया, मोस्टली जो है रोड के लेयर बेस सब बेस वगैरह की तैयारी के लिए हम इस टेस्ट को लगा लेते हैं। तो कम्पेक्शन परसेंटेज मालूम करने के लिए इसका फार्मूला ये है कि फील्ड डेंसिटी और लेप डेंसिटी, यानी लेप डेंसिटी मीन्स मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, तो इन टू 100 करेंगे तो हमें परसेंटेज में जो है इसकी कम्पेक्शन आ जाती है। तो और सबसे पहले हमने जो टेस्ट के दौरान ड्यूरिंग टेस्ट हमने जो ऑब्जर्वेशन हमने की, उसमें सबसे पहले हमने किया वेट ऑफ सैंपल प्लस सैंपलिंग बैग। सैंपलिंग बैग में हमने पिट में से जो सैंपल लिया उसकी वेट जो है 4078 ग्राम आ गया। इसके अलावा मैंने आपको दिखा दिया कि सैंपलिंग बैग का हमने वेट किया तो हमारी जो सैंपलिंग बैग का वेट है 18 ग्राम। फर्दर हमने क्या किया, सैंड कोन को जो है बिफोर पोरिंग, पिट को भरने से पहले हमने सैंड कोन की वेट की तो इसका वेट आ गया 7468 ग्राम। फिर हमने पिट को जो है फिल करने के बाद हमने इसका दोबारा से वेट किया तो इसकी जो वेट आ रही थी जो 2666 ग्राम। इसके अलावा हमने मॉइस्चर कंटेंट फाइंड आउट कर लिया 6.5% स्पीडी मॉइस्चर की मदद से। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है तो आप उसकी मदद से भी उस टेस्ट को देख सकते हैं। यूनिट वेट है जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि इसमें जो सेंड हम यूज करते हैं वो 30 नंबर की सीव पे रिटर्न और 16 नंबर सीव से पास होने वाली सेंड को यूज किया था, उसको हमने लेप में ही उसकी यूनिट वेट मालूम किया तो हमें ये ऑलरेडी हमारे पास था कि इसकी यूनिट वेट जो है 1.361 ग्राम, ये हमारे पास ऑलरेडी हमें नोन था। इसके अलावा कोन कैलिब्रेशन, ये भी हमें जो है लेब से हमें ऑलरेडी पता है जो कि क्या है 1491 ग्राम इसकी वेट थी, वेट ऑफ सैंड फिल्ड कोन, ठीक है। तो ये दो चीजें हमने जो लेब में ऑलरेडी हमने किया हुआ था तो ये हमें ऑलरेडी मिल गई। इसके अलावा जो एक फर्दर जो एक चीज हमें लेब से या एक और टेस्ट से हमें आ जाती है जिसको कहते हैं मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी या फिर इसको लेप डेंसिटी कहते हैं, तो वो है 1.727 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बेसिकली हम प्रोक्टर टेस्ट की मदद से इसको फाइंड आउट किया हुआ है, तो इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल हमने जो हमें हमारी यहाँ पे जो साइट पे जो एमडीडी है वही हम ले रहे हैं 1.727। तो ये बेसिकली हमारी ऑब्जर्वेशन थी। इसके बाद हमने कैलकुलेशन इसकी कैसे करनी है, कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, वेट ऑफ सैंपल मालूम करेंगे। वेट ऑफ सैंपल के लिए सिंपल ही क्या है, आपने जो वेट सैंपलिंग बैग प्लस सैंपल था उसमें से बैग का जो वेट माइनस करेंगे यानी 18 ग्राम उसकी आपने डिटेक्ट किए तो आपको जो है इसकी जो एक्चुअल जो वेट ऑफ सैंपल की जो है वो आ गई 4060 ग्राम आपकी वेट ऑफ सैंपल आ गया। इसके अलावा जो है यूनिट वेट ऑफ सैंड फिल्ड होल, जो होल में जो हमने जो सैंड डाली है उसकी जो यूनिट वेट कैसे आएगी, उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना, वेट बिफोर पोरिंग ले लिए, फिर इसके बाद आपने वेट आफ्टर पोरिंग को भी माइनस किया। इसके अलावा कोन में जो सैंड बची है उसके वेट आपने कोन कैलिब्रेशन के थ्रू लैब में आपने फाइंड किया हुआ है तो इसका वेट जो है 1491 है, तो इन सबको माइनस करने से आपको होल में मौजूद सेंड की वेट आ जाएगा तो ये 3311 ग्राम है। ये यूनिट वेट नहीं है बल्कि टोटल वेट है, जो हॉल में जो सेंड गई है उसका वेट 3311 है। इसके अलावा जो हॉल जो आपने बनाई 15 सेंटीमीटर की उसका वॉल्यूम निकालने के लिए आपने क्या करना है, जो वेट ऑफ सेंड जो कि हॉल में हमने डाली है उसका वेट जो है 1311 ग्राम है उसको डिवाइड करेंगे इसकी यूनिट वेट जो लेब में आपने फाइंड किया हुआ है उसके साथ डिवाइड करेंगे तो आपका इसको होल का वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये बेसिकली जो डेंसिटी के फार्मूले से आपने निकाली मास और वॉल्यूम करके आपने इसमें आपने डेंसिटी आपके पास थी, यूनिट वेट यानी यूनिट वेट आपके पास ऑलरेडी थी और मास आपके पास था, तो इस तरह से आपने इसकी होल का वॉल्यूम आपने इस तरह से फाइंड आउट किया जो कि 2432.7 सेंटीमीटर क्यूब आ गए। वेट डेंसिटी जो एक्सक्यूवेटेड सैंपल है उसकी जो वेट डेंसिटी निकालने के लिए आपने क्या करना है, इसका जो वेट ऑफ सैंपल है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ होल, वेट ऑफ सैंपल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ होल, तो इससे आपको क्या आ गया इसकी डेंसिटी, अगेन इसी फार्मूले को हमने यूज करके इसमें डेंसिटी हमने निकाल लिया, मास और वॉल्यूम को यूज करके हमने इसकी डेंसिटी निकाली तो वेट डेंसिटी हमारे पास 1.66 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो इसको आपने
ड्राई डेंसिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल ही इसी जो वेट डेंसिटी को डिवाइड बाई 1 प्लस आपने जो वाटर कंटेंट यानी मॉइस्चर कंटेंट को आपने ले लेना है। तो मॉइस्चर कंटेंट बेसिकली हमारे पास 6.5% आया था, इसको हमने परसेंटेज से उसमें लाने के लिए डिवाइड बाई 100 किया। तो इस तरह से आपको ये ड्राई डेंसिटी में आपकी इस सैंपल की ड्राई डेंसिटी हमें 1.558 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यानी हमने वेट डेंसिटी को ड्राई डेंसिटी में कन्वर्ट किया। फिर इसी जो ड्राई डेंसिटी को बेसिकली हम फील्ड डेंसिटी भी बोल रहे होते हैं, तो ये बेसिकली बहुत आसान है कि इसको फील्ड डेंसिटी भी कहते हैं और ड्राई डेंसिटी भी कहते हैं, तो यही हमारी फील्ड डेंसिटी आ गई। तो अब आपका लास्ट जो स्टेप आपने क्या करना है, जो कंपेक्शन परसेंटेज निकालने के लिए जो फार्मूला आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, फील्ड डेंसिटी और लेब डेंसिटी। लेब डेंसिटी को MDD भी कहते हैं यानी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, जिस जो कि हमने प्रोटेक्ट टेस्ट की मदद से ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है। तो सिंपल आपने क्या करना, ड्राई डेंसिटी डिवाइड बाय MDD जो हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखी है, तो इसको हम डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो हमारे पास जो परसेंटेज कंपेक्शन आ गई वो है 90.2%। तो ये बेसिकली इस तरह से आप जो है लेयर्स की जो कंपेक्शन फाइंड इस तरह से आप एबिलिटी की मदद से कर लेते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आए होंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।